केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के एक दिवसीय दौरे के दौरान बिलासपुर में आयोजित आखिरी कार्यक्रम में जहां पर कोठीपुरा में जहां स्थानीय लोगों ने जमकर अनुराग ठाकुर का स्वागत किया, वहीं पर अनुराग ठाकुर ने अपने संबोधन के दौरान विपक्षी नेताओं पर निशाना साधते हुए जहाँ पर मोदी सरकार की जमकर तारीफ की, वहीं पर प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे को लेकर और विदेश नीति को लेकर इसके अलावा टैक्सों में दी गई छूट को लेकर बड़े बयान दिए। अनुराग ठाकुर ने कहा कि आज देश में सबसे सफल विदेश नीति 70 वर्षों के अगर किसी ने बनाई है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हमें गर्व होना चाहिए कि हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। उन्होंने कहा कि इतनी सफल विदेश नीति नरेंद्र मोदी की सरकार में बनी है और जिसका लाभ देश को निरंतर होने वाला है। उन्होंने कहा कि देश में उद्योग बढ़ाने के लिए मोदी सरकार ने अहम फैसले लिए हैं, जिसके तहत अगर कंपनी भारत में नया रजिस्ट्रेशन करवाती है और नया उद्योग स्थापित करती है तो उसे मात्र 17% टैक्स देना पड़ेगा, जबकि पिछली सरकारों के समय में ये टैक्स 34% देना पड़ता था, जिससे एशिया और साउथ एशिया के सब देशों में अमेरिका के बराबर इतना कम टैक्स भारत ने कर दिया है। अब दुनिया भर की कंपनियां भारत आने वाली हैं। अनुराग ठाकुर ने अहोदी मोदी कार्यक्रम पर भी विपक्षियों के बयान पर खूब निशाने साधे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि उन्हें देश के प्रधानमंत्री और उनके द्वारा बनाई गई नीतियों पर गर्व करना चाहिए। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत 21 सितंबर से शुरू हुए अभियान कांगड़ा कॉलेज के छात्र अक्षय ने साइकिल पर शिमला तक चलाया। इस अभियान में नशे के खिलाफ युवाओं को जागरूक कर रहे हैं और संदेश दे रहे हैं कि नशे से दूर रहें। उन्होंने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि युवा खेलों के प्रति भागीदारी सुनिश्चित करें, जिससे युवा नशे से दूर रह सके और उनका शरीर भी स्वस्थ रह सके। उन्होंने कहा कि आज के युवा मोबाइल फोन के साथ अधिक समय बिता रहे हैं, जिसके परिणाम आने वाले समय में घातक होंगे। उन्होंने फिट इंडिया मूवमेंट साइकिलिंग यात्रा के तहत युवा वर्ग व अन्य लोगों से अपील की है कि प्रदेश में बढ़ रहे घातक चिट्टे जैसे नशे से दूर रहें व दूसरों को भी नशे से दूर रहने का संदेश दें, ताकि फिट इंडिया मूवमेंट अभियान के तहत प्रदेशवासी फिट रह सके। देहरा से रानीताल राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर 80 की स्पीड से फराटा भरती गाड़ियों में बैठे लोग सोच भी नहीं सकते कि बनखंडी में उनसे मात्र 10 मीटर दूरी पर एक तरफ ऐसी सड़क भी है जहां पर आप 80 कदम भी पैदल ठीक से नहीं चल सकते। दरअसल ये दुर्दशा है शेर लोहारा पंचायत को मुख्य मार्ग से जोड़ने वाली सड़क की। ये सड़क दियोलडू शेर लोहारा कलर गाँव से होते हुए लगभग 3000 की आबादी को मुख्य सड़क से जोड़ती है, जिसमें की अधिकतम आबादी अनुसूचित जाति से है। लोगों की इस समस्या को देखने के लिए जब देहरा भाजपा युवा नेता सुकृत सागर ने गांव का दौरा किया तो लोगों ने बताया कि इस सड़क की इतनी दुर्दशा है कि आम दिनों में भी यहां पर पैदल नहीं चला जा सकता। सड़क न होने की वजह से बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दिलवा पा रहे। जब कहीं से कोई मदद नहीं मिली तो लोगों ने खुद ही 2 लाख इकट्ठा कर एक डंगा भी सड़क को बचाने के लिए अपने पैसे से बनवाया है। हालांकि पूर्व विधायक रविंदर रवि ने इस सड़क में निर्माण के लिए 2 पुलिया बनवाने के लिए पैसे दिए हुए थे, लेकिन प्रशासन वो भी नहीं बनवा पाया। बाद में सुकृत सागर ने कहा कि ये सड़क बिल्कुल नाले में बदल चुकी है और यहाँ पर पैदल चलना भी नामुमकिन है। लोगों को मजबूरन सड़क छोड़कर फसल से भरे हुए खेतों से होकर जाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस सड़क में सबसे पहले पुलिया बननी है, तो मैंने अधिकारियों को इसकी जानकारी मौके से ही दे दी है तथा निवेदन किया है कि जल्द ही पुलिया का टेंडर करवा कर काम शुरू करवाएं। पुलियों के लिए कुछ पैसा पूर्व विधायक रविंद्र रवि ने दिया हुआ है, बाकी का बजट भी मुझे उम्मीद है कि जयराम सरकार उपलब्ध करवा देगी। सागर ने कहा कि लोगों की ये समस्या काफी बड़ी है तथा इसके समाधान के लिए हर स्तर पर संघर्ष किया जाएगा। भानन जल विद्युत परियोजना का इकरार सन 1925 में राजा जोगिंदर सेन, कर्नल बैटी और पंजाब स्टेट के
डेलीगेट्स के मध्य हुआ था और सन 2024 में ये इकरार पूरा होना है, लेकिन 1925 में हुए एग्रीमेंट के अनुसार शर्तों को नहीं माना गया और भानन जल विद्युत परियोजना की क्षमता को 40 से 60 और बाद में 110 मेगावाट कर दिया गया। ये बात हिमाचल बचाओ संघर्ष मोर्चा के प्रदेश संयोजक लक्ष्मेंद्र गुलेरिया ने जोगिंदर नगर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कही। लक्ष्मेंद्र गुलेरिया ने कहा कि भानन जल विद्युत परियोजना के मुद्दे को लेकर प्रदेश सरकार कुंभकर्णी की नींद क्यों सोई है। उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से इस मुद्दे को सदन में रखने की मांग की और सांसद रामस्वरूप शर्मा से इस मुद्दे को संसद में उठाने की मांग की ताकि हिमाचल का हक हिमाचल को मिल सके। उन्होंने कहा कि भानन जल विद्युत परियोजना जिसका एग्रीमेंट सन 1925 में हुआ और 2024 में पूरा होना है और इस परियोजना के एग्रीमेंट के तहत 40 मेगावाट तक के हाइड्रो टर्बाइन लगने थे। लक्ष्मेंद्र गुलेरिया ने कहा कि एग्रीमेंट के तहत बिजली उत्पादन क्षमता के अनुसार 40 मेगावाट को टर्बाइन लगना था, बाद में उसे बढ़ाकर 60 कर दिया गया और उसके बाद 110 मेगावाट कर दिया गया और इससे एग्रीमेंट की शर्तों को पंजाब सरकार के द्वारा उन शर्तों को नहीं माना गया।